दोस्तों, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से फिर आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज एसडी महिला कॉलेज के इस सभागार के अंदर आज बालिका दिवस के चलते यहाँ कुछ लीगल एड देने के लिए, लीगल लिटरेसी देने के लिए यहाँ कुछ एडवोकेट्स आए हुए हैं। गुलशन बागोरिया जी, उनके साथ जालंधरा जी और जांगड़ा जी, तीनों एडवोकेट हैं। आपको डिफरेंट यानी कि टॉपिक्स के ऊपर, अलग अलग टॉपिक्स पे ये अपना फोकस करेंगे। फीमेल फुटेसाइड्स, जिसे कन्या भ्रूण हत्या बोलते हैं, और दूसरा है विक्टिम कंपनसेशन, यानी कि पीड़िता को कैसे मुआवजा मिले। नाबालिग से दुष्कर्म होता है, उस पर जुवेनाइल से, और बिल्कुल जो इन्फेंट से भी ऐसे कुकर्म किए जाते हैं, दुष्कर्म होता है, उसकी धाराएं क्या क्या हैं, उसको क्या क्या सजा आफ्ता हो सकती है, उसको क्या कन्विक्शन हो सकती है, इस पर पूरा फोकस करेंगे। एसडी महिला कॉलेज जो अपने आप में नारी शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, लीडिंग इंस्टीट्यूशन है हांसी की, तो यहाँ लीगल लिटरेसी में गुलशन बागोरिया जी अपना एक्सटेंशन लेक्चर देंगे, उसके बाद जालंधरा जी और जांगड़ा जी, तीन इन्हें एक PLV हैं और एडवोकेट हैं, तो इन देख रहे हैं सामने बैठियाँ रहती हैं। आज बालिका दिवस है, मैं प्रथम आपसे पूछना ही चाहूँगा, वर्षिकुल में यानी कि बालिका दिवस, बालिका 100 आप जानती हैं क्या, कौन सा डे है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, बालिका दिवस। कौन आए हुए हैं कॉलेज में आपके यहाँ? एडवोकेट्स आए हुए हैं हमें इनके बारे में बताने के लिए कि फीमेल फेमिसाइड्स कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है और इसके अगेंस्ट क्या क्या लॉज बनाई गई है, कि ताकि कॉन्स क्या है इसके, सब कुछ ये बताएंगे, पॉस्को एक्ट के बारे में बताएंगे और सारा कंपनसेशन के बारे में आपको एजुकेट करेंगे। लीगल लिटरेसी ये कौन सा है, क्या है आज? गर्ल्स चाइल्ड ये बच्चे पता है, मैंने इनसे थोड़ा सा इंटरेक्ट किया है कि भी आज गर्ल चाइल्ड डे है, राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इस पे यानी कि एडवोकेट्स का गुलशन बागोरिया जी एक बहुत यानी कि सीजनड एडवोकेट हैं, कौंसल हैं, लिटरेसी कौंसल हैं, एडवोकेट हैं, उनके साथ मैं बता रहा था कि भी एडवोकेट हैं, मैडम रेनू पपनेजा जी, मैडम रेनू पपनेजा जी आप यहाँ बैठी हैं, आज क्या है? सर आज नेशनल बालिका दिवस है, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। आपने तो एंग्लो इंडियन बोल दिया, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। आपके यहाँ सेमिनार हो रहा है, तो मैं जानना चाहूँगा। और मैं हमारी जो SDGM निशा है, हमारी जो लीगल सर्विस अथॉरिटी उनकी चेयरमैन भी, और उनकी डायरेक्शन पे ही हम यहाँ आज SD कॉलेज में अपना लीगल लिटरेसी कैंप लगाने के लिए आए हैं, और आज नेशनल चाइल्ड डे भी है, और उसी पे उपलक्ष्य में हम यहाँ इनको जितने भी यहाँ उपस्थित है छात्र उनको है ना लीगल पॉइंट जो है और राइट्स जो हैं वो बताएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि आपने फीमेल फेटिसाइड पे विक्टिम कंपनसेशन आप पोस्ट को और इससे भी रिलेटेड अगर उनकी क्वेरीज है कोई मान लो स्टूडेंट है, जरूरी नहीं है इसे हमारा जो लीगल एड का जो भी आगे का जो है वो यही है कि भाई किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई लोगों की जानकारी चाहिए, इससे अलग भी वो ले सकता है, जरूरी नहीं है कि इनसे, ये तो आज की है ही है, लेकिन इससे अलग भी वो ले सकता है जानकारी। यहाँ तीन टॉपिक्स के ऊपर, जैसे मैं बता रहा था, बच्चियों ने फीमेल सुसाइड के ऊपर अपना फोकस किया, जो अक्सर कॉलेजेस में इनके टीचर्स भी इनको बताते रहते हैं, और एडवोकेट साहब बागोरिया और जांगड़ा जी, हाँ क्या नाम है आपका? PLV सतीश कुमार। हाँ PLV सतीश कुमार जी मेरे साथ हैं, फिर टॉपिक में बोलेंगे आज हम, तो ऐसा है जी एडवोकेट के साथ हमारी ड्यूटी, हाँ ड्यूटी है, असिस्ट कर रहे हैं, हाँ असिस्ट करते हैं, और उसमें जो अरेंजमेंट वगैरह होता है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। कहाँ जाएंगी और क्या करेंगी आप कॉलेज में? सर मेरा एक टॉपिक चल रहा है। नहीं नहीं, ये 26 जनवरी है सर, के लिए हमने स्टेडियम में जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस कब है, कौन सी तारीख को है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को वहाँ आप NCC की परेड करेंगे। क्या नाम है आपका? मीनू सर। मीनू सर, मुझे एक कदम ताल जैसे सर बोलते हैं वैसे करके दिखाई देगा। ये फर्स्ट फाइल खड़े हो जाओ, जल्दी अलग इतनी
आप देख रहे हैं ये बच्चियां जो हैं यहाँ डेमो देके दिखाएंगे, डेमो देके दिखाएंगे, देखो जो है ग्राउंड के अंदर परेड करेंगे। सिंगल फाइल सावधान, तीनों तीर में आगे बढ़ेगा, सामने से तीन चल, एक दो पीछे मोड़, सैल्यूट करो आप। हाँ जी अगेन, हाँ ये सैल्यूट करेंगे। हाँ स्कॉट स्लूट करेगा, सामने का स्लूट स्लूट डाउन, स्लूट डाउन, सिनो दिन भागे पड़ेगा, सामने से तेज चल। आप देख रहे हैं ये तैयारियां चल रही हैं 26 जनवरी की, ये सब देख रही है बच्चियां हैं और जो महिला कॉलेज की, आप देख रहे हैं ये रिपब्लिक डे पे परेड में शामिल होंगे एनसीसी के कैडेट, इनको यहाँ ड्रिल करवाई जा रही है। और मुझे ये बताएं कि रिपब्लिक डे किस लिए मनाया जाता है? एक्सीलेंट। और सैल्यूट करके किन को यानी कि श्रद्धांजलि देना चाहेंगे आप? शहीदों को, तिरंगे को, तिरंगे हो। ठीक है तिरंगा। बेटा आप बताइए यही है कि उसका गर्भ में ही पता लगाना कि लड़का या लड़की और सेक्स डिटरमिनेशन करवाना उसका, उसका मरवा दो। अच्छा ये समझ आ गया, ये बहुत बड़ा ऑफेंस है, ये पता लगा ये ऑफेंस है या डिफेंस है? लड़कियों को यानी कि धरा पे आना चाहिए? हाँ आना चाहिए, आप भी तो एक बेटी हैं, आना चाहिए। और क्या बताया उन्होंने? अभी बताया, यही बताया, और दो टॉपिक्स और बताएंगे, पोस्को एक्ट और कंपनसेशन, कैसे कर सके कोई भी। विक्टिम कंपनसेशन, विक्टिम कंपनसेशन। अभी आपका फोकस रहा फीमेल फिटनेस। थैंक यू। 100 में से 101 नंबर दिखाओ। तो हसन अली सर शिक्षा के तो सबने बताया है लोगों के सामने, इतने इतने शिक्षा बता साइड, ये एक अपराध है, ऑफेंस है। क्या नाम? और बेटियों को भी शुभकामनाएं, आपका ही ये दिन है, आपका ही ये दिवस है, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। आप सबको मेरी मेनी मेनी कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। बस इतना ही कहूंगा कि इसे बेटा बना पालो, इसे बेटा बना पालो, ये इतिहास को छू लेगी। करोगे विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास को छू लेगी। ना करना नजरअंदाज जीवन में बेटी को कभी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश को छू लेगी। बेटियां किसी से कम नहीं होती। दशकों में आपसे एक वादा चाहता हूँ, चले जाते हैं तेरी महफिल से हम, अगर दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा, लेकिन आपसे एक वादा चाहता हूँ कि हमारे हांसी की आवाज़, इन बेटियों से भी सबसे वादा चाहता हूँ कि हांसी की आवाज़ को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने हमें बहुत मोहब्बत दी, प्यार दिया, स्नेह दिया, लेकिन बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। जाएं यूट्यूब पे और इसको बेल बटन दबाएं और आपका ये प्रोग्राम आपके सामने आएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए कार्यक्रम।